Okay, so now we are going to draw a position time graph for relative velocity of object 2 with respect to object 1. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऑब्जेक्ट 1 हम देखते हैं, और ये हमने करा के भाई ये ऑब्जेक्ट 1 का रिलेटेड हो जाएगी जो भी पॉइंट्स हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड जो अपन ने टाइम लिया था, एट टी वन इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट 1 जो है उसकी पोजिशन क्या थी, x10 थी, और ऑब्जेक्ट 2 की जो पोजिशन है वो x20 थी. फिर सेकेंड हमने लिया कि एट टी टू इज इक्वल टू टी सेकेंड, तो टी सेकेंड पर जो पोजिशन थी वो क्या थी, ये x1 हो गई फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, x2 हो गई सेकेंड ऑब्जेक्ट की. ठीक है, देन हमने फाइंड आउट करा रिलेटिव वेलोसिटी. अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 हमने फाइंड आउट करा. यहाँ पर जो x1t की वैल्यू कितनी है, x1t इज इक्वल टू हो जाएगा x10 एंड प्लस v1t हो जाएगा, है ना. और वही x2t जब हम लिखेंगे तो x2t की वैल्यू हो जाएगी x20 प्लस v2t हो जाएगा, है ना. तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमें ध्यान रखनी है जब हम प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, सो फर्स्ट केस ड्रॉ करते हैं हम इसमें. केस वन ये है कि व्हेन v1 इज इक्वल टू v2, जब v1 इज इक्वल टू v2 होगा. ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल माइंड में ये स्ट्राइक कर जाना है कि v1 और v2 है क्या. v1 इज अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v2 इज अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2. ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो v1 इज अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड v2 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2. ठीक है, ये दोनों इक्वल है. v1 इज इक्वल टू कितना है, v1 इज इक्वल टू v2 है. नाउ इफ आई वांट टू, पहले हम फॉर्मूले पे देख लेते हैं फिर मैं ग्राफ बता दूंगा आपको. इफ आई वांट टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वही तो हमें करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, v2 माइनस v1 हो जाएगा, और v2 माइनस v1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. 0 आ गया ना भाई, v2 और v1 तो आपके बराबर है, तो ये तो 0 आ जाएगा. तो इसका कहने का अपना सेंस सिंपल सा ये है कि भाई पहला आप समझने की कोशिश करना, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और ये जा रहा है भाई, ये भी जा रहा है प्लस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से. अगर ये दोनों बराबर है तो क्या ये कभी एक दूसरे को ओवरटेक कर पाएंगे, या कोई एक पीछे रह जाएगा, कोई एक आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ केस तो नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों की ही वेलोसिटी सेम है, तो दोनों ही इसी डायरेक्शन में ऐसे चलते रहेंगे. ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूले से बात को समझ लिया, व्हेन v1 इज इक्वल टू v2 है, जब वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है. अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, वी विल ड्रॉ अ ग्राफ. ठीक है, अगर हम इसका पोजिशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें इस केस के लिए, तो आप देखो पोजिशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा. अब ये ध्यान रखना कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो पोजीशन टाइम के लिए यहाँ तो टाइम आ जाएगा सेकंड में, ये तो आपका टाइम आ गया सेकंड में, और यहाँ पर आ जाएगी पोजीशन. ठीक है, पोजीशन हम लेंगे मीटर में. पोजीशन को जैसे मैं एक्स से बता देता हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये एक्स मैंने पोजीशन के लिए रखा है मीटर, और ये आपका ओरिजिन आ गया, ओ आ गया. ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स से दैट v1 एंड v2 दीज टू वेलोसिटीज आर सेम, v1 और हमें ठीक है, वही सारी है, क्लियर है. अब इधर देखो, आप यहाँ पर, यहाँ देखना आप, टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पर, t1 इज इक्वल टू क्या है, 0 सेकंड है, t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पर जो ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 की पोजीशन कितनी है, x10. तो हमें ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, आपको पोजीशन बनानी है यहाँ पे. ठीक है,